कुछ लोगों को इतनी ज्यादा हेट हो जाती है है ना ठीक है आपको कुछ पर्टिकुलर इन्फ्लुएंसर्स पसंद नहीं है तो आप उनके वीडियोस मत देखिए लेकिन नहीं हेटरेट की तो सीमा ही क्रॉस कर ली है लोगों ने स्पेशली मैं यहाँ पे बात करना चाहती हूँ नहीं पता ये औरतें हैं क्या हैं? लेकिन जिस तरह के कमेंट्स मैं यहाँ देवरानी जठानी के वीडियोज में देखती हूँ है ना आ, जैसे आपको पता है जो देवरानी जी हैं निकी उनको अपॉर्चुनिटी मिली है ठीक है सॉन्ग में लीड रोल मिला है हालांकि अभी हमें नहीं पता कुछ लोग कह रहे हैं कि पारंपरिक सॉन्ग है और जिस तरीके से अभी फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है छठ आने वाला है नवरात्र अब स्टार्ट होने वाले हैं बहुत सारे फेस्टिवल्स आ रहे हैं तो फेस्टिवल रिलेटेड ही कोई सॉन्ग इनको मिला है ठीक है उसके बाद हमें पता चलेगा देखिए इन कमेंट सेक्शन में लोग कहते हैं ना कि कहीं ना कहीं आइडिया लगाते रहते हैं तो मेरे को यहाँ पे लगता है कि बहुत सारे ऐसी ब्लॉगर्स हैं और कमेंट्स uh, बॉक्स में भी एक बता भी रही थी अपना एक्सपीरियंस कि मेरे बेटे को भी ऐसी शूट के लिए जाना uh, पड़ता था अच्छा यहाँ पे ना थोड़ा सा लोग प्रोनंसिएशन का भी मजाक उड़ाते हैं जैसे यहाँ पे ये लोग मोस्टली शूट को सूट बोलती हैं तो मुझे लगता है कि यस yes, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे अगर आप अपनी डे टू डे लाइफ में आप अपने किसी भी मेंबर से अगर आप शूट को सूट ही बोल रहे हो तो इतना मैटर नहीं करता है लेकिन हाँ क्योंकि आप सोशल मीडिया पे हो और ये मैं दोनों के लिए ही बोलती हूँ इनफैक्ट मैंने बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर्स देखे हैं जो इस टाइम सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे अच्छी खासी अर्निंग कर रहे हैं बट जब वेन इट कम्स टू स्पीकिंग वो नहीं बोल पा रहे हैं उनका प्रोनाउंसिएशन तो प्लीज ठीक है आपके आदत हो जाती है एक आपका यू नो यूज टू हो जाते हो लेकिन कहीं ना कहीं आप अपने ऊपर अपने मैंने हमेशा से बोला है वर्क करिए आपको शूट बोलना है तो आप उसको सूट नहीं बोल सकती हैं ठीक है, है? आ, पहली बात तो मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ उसके बाद मैं यहाँ पे ना कुछ लेडीज के कमेंट्स देखे मैंने जैसे आपको पता है इनका वीडियो कल लेट आया है Uh, तो इनका टाइटल भी मैं आपको बता देती हूँ अगर आप लोगों ने देखा नहीं है तो अगर देख लिया है तो दैट्स वेल एंड गुड फर्स्ट शूट नॉट शूट फर्स्ट शूट डायरेक्टर एंड कैमरा मैन ऐसा बोलेंगे मेरे साथ ये सब होगा मुझे नहीं पता नहीं था तो uh, इनका लेट वीडियो आया हालांकि देखिए जब कुछ नई चीज होती है नई जगह आपको जाना होता है इन्होंने लोकेशन बताई वहां पे शूट करने गई हैं ये अपने मायके आई हुई हैं और वहां पे जिस तरीके से आपने देखा ही होगा इनकी बहन को शूट कर रही है अपने भाई को भी लेके गई है फिर वहां पे कोई बीटा कोई जगह थी वहां पे जाके शूट करना और साथ साथ इन्होंने आज कैमरा मैन को भी थोड़ा बहुत दिखाया है वीडियो में जहां पे वो कह रही थी कि देखो पैसे दे के मैं उनसे नहीं बुलवा रही हूँ उन्होंने खुद बोला कि इनके साथ काम करके अच्छा लगा ससुराल सिमर का और एक दो सीरियल्स में बता रही थी कि कैमरा मैन वहां पे थे तो देखिए बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होती हैं यूनिट्स होती हैं और इन्होंने ये भी बोला कि मुंबई से ये आए हैं बहुत दूर से आए हैं तो इनका काम चल रहा है और दैट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी है ना हर इंसान चाहता है कि कहीं ना कहीं उसको ग्रोथ मिले लेकिन किस तरह का सॉन्ग है किस तरह का वो हमें बाद में ही देखने को मिलेगा उसके बाद ही हम जज कर सकते हैं लेकिन मैंने इनके कॉमेंट सेक्शन में हेटर्स के कुछ कॉमेंट्स पढ़े इनफैक्ट मैं यहाँ पे कहती हूँ कि जो भी इन्होंने ऑरेंज इन सिंदूर लगा रखा था उसको देख के लोग कह रहे थे कि Uh, कहीं ना कहीं कोई देव uh, देवी से रिलेटेड कोई सॉन्ग है देवी जी का सॉन्ग है पारंपरिक सॉन्ग है है ना वो मुझे लगता है थोड़ा वेट करने पे हमें पता चल जाएगा और जो इनके शुभ चिंतक हैं वो तो डेफिनेटली इनको प्यार कर रहे हैं और इनको बोल रहे हैं कि ऑल द बेस्ट क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी देखिए मैं बार बार कहती हूँ ठीक है अगर ये कुछ कंट्रोवर्सी करते हैं या कुछ भी अपने वीडियोस में गलत दिखाते हैं तो अ रिएक्शन चैनल हम इन पे आवाज़ उठाते हैं लेकिन अगर इनकी इनको ये अपॉर्चुनिटी मिली है ठीक है अब जैसे ये आज कह रही थी शूट के लिए गई अब नेक्स्ट डे भी इनको जाना है उसका भी दिखाएंगी तो उसमें इनका क्योंकि उन्हें अभी थोड़े दिन पहले फेशियल कराया था तो इनका ग्लो आ रहा था तो उसको उस रोल में ग्लो नहीं चाहिए तो थोड़ा उनको मेकअप करके ग्लो कम किया जा रहा था तो जो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसके हिसाब से किया जाता है अब यहाँ पे हेटर्स के मैं कमेंट्स देख रही हूँ और मैं सही में आई एम रियली रियली सरप्राइज्ड कि लोग बिना जाने क्या है थीम कौन सा सॉन्ग है एक बार सॉन्ग आ जाए है ना आ, मार्केट में आ जाए इंटरनेट पे आ जाए ठीक है तब हमें एक्चुअली में और चीजें पता चलेंगी लेकिन लोगों के कमेंट्स बहुत ज़्यादा वाहियात कमेंट्स आ रहे हैं इनफैक्ट एक कमेंट है ऑर्चेस्ट्रा पर नाचने जा रही हो क्या और इसका इन्होंने रिप्लाई भी किया है कि हाँ चलेगी क्या तू भी बहन तू नाच लेना मैं तुझे देख लूंगी लेडी होकर ऐसी चीप बातें बोलती हो ये जो कैमरामैन डायरेक्टर दिखा रही है वन ऑफ द टॉप मोस्ट है मुंबई में बड़े बड़े संगीतकार के ऑर्केस्ट्रा होते हैं श्रेया घोषाल एटसेट्रा बड़े सिंगर्स वहीं से आए हैं सो so, ये देखिए यहाँ पे मुझे लगता है कि इनको अपॉर्चुनिटी मिली है एंड शी इज वर्किंग मुझे नहीं लगता कि इन्होंने कुछ गलत दिखाया अभी तक जो लोग इनसे इनको पसंद नहीं करते आप मत देखिए लेकिन इस तरह की जब चीजें बोलते हो वो भी किसी घर की बहू है उसकी भी बेटी है ठीक है वो भी वाइफ है इस तरह की चीजें आप खुद अपने लिए नहीं सुनना चाहोगे तो किसी के लिए इतने कमेंट्स करने से पहले थोड़ा सा मुझे लगता है कि सोचना चाहिए एक ये कमेंट था और एक और मैंने कमेंट देखा था जहां पे लोग आ, मतलब इनके रिगार्डिंग बोल रहे थे नौटंकी इन्होंने पिन भी किया है नौटंकी इतना करने की जरूरत नहीं है वैसे जितना करती हो शो ऑफ हीरोइन बन जाऊंगी शक्ल देख लो तब बनना हीरोइन तो मुझे ये समझ नहीं आता कि इसमें शक्ल से रिलेटेड क्या हो गया आप देखिए किसी का इनका स्माइलिंग फेस है अगर इनके क्योंकि ये डेली ब्लॉगर है इन्होंने कुछ रील्स वगैरह बनाई होंगी ठीक है ये एक कहता है ना कि अपॉर्चुनिटी इनको मिली इनको देखा और ये इनको सिलेक्ट किया इस रोल के लिए ठीक है तो इसमें अच्छी बात है ना इनकी शक्ल अच्छी तभी शायद इनका सिलेक्शन हुआ लेकिन जो लोग इनको ऐसे बोल रहे हैं कि नौटंकी कर रही है नाच और चेस्ट्रा पर नाचने वाली और ये इस तरह के कमेंट्स इतनी हिट क्यों इतनी हिट इतनी भयंकर हिट क्यों है आप लोगों को मुझे ये समझ नहीं आता तो यहां पे जवाब भी दिया है कि शक्ल तो मेरी रोज देखती हूं और आपको शक्ल बहुत अच्छी है तभी डीपी ऐसा लगाना पड़ रहा है तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा बॉडी शेमिंग ना करें ठीक है आ, और कुछ लोग इनके ब्लॉग का भी वेट कर रहे थे लोगों का ये भी कहना था कि अब आप वहां पे आपका ध्यान हो जाएगा आप हम लोगों को भूल जाओगे ब्लॉग्स नहीं डालोगे तो मुझे लगता है कि देखिए वो अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिली है लेकिन जो इनका रोज का काम है जो इनका कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाओ तो शी इज अ व्लॉगर ये रोज व्लॉग्स डालती हैं तो मुझे नहीं लगता कि ये यूट्यूब से ब्रेक लेंगी ठीक है या यूट्यूब पे इस चीज को इतनी प्रेफरेंस ना दें नहीं देंगी काफी लोग कह रहे हैं कि आई थिंक छठ पूजा से रिलेटेड सॉन्ग है क्योंकि आपने पीला सिंदूर लगाया है और अर्ली मॉर्निंग शूट दैट मीन्स भोर वाला सीन भी कैप्चर करना होगा ठीक मैंने सही गेस किया तो देखिए ये तो बाद में ही मिलेगा और जो लोग इस तरह की चीजें लिख रहे हैं ना उन जब वो सॉन्ग देखेंगे और कहते हैं ना कि किसी भगवान भी देख रहा है आपको बिना जाने किसी को टारगेट करना किसी को बॉडी शेम करना और मैंने हमेशा से बोला है यहाँ पे देवरानी जेठानी के कमेंट सेक्शन में जब इस तरह की चीजें आती है ना जब लोग पर्सनल हेट देने लगते हैं ठीक है तो इट फील्स बैड अगर उन्होंने कुछ ऐसी चीजें करी हैं तो आप डेफिनेटली अपनी बात रेज कर सकते हो वो भी सही शब्दों का चयन करते हुए ये सोशल मीडिया पे हैं ठीक है ये लोग अपनी वीडियोस पब्लिक कर रहे हैं लेकिन जब इस तरह की हेट मिलती है तब मैं समझती हूँ कि कौन से लोग हैं ये कौन से आ, मतलब किस समाज से आते हैं ऐसे लोग ठीक है आ, क्या आप ऐसे कमेंट्स अपने लिए अपने घर की बेटियों के लिए बहुओं के लिए अपने लिए क्या ये देख पाओगे सुन पाओगे तो इतना पर्सनल हेट मुझे लगता है कि नहीं देना चाहिए छठी मैया की कृपा बना रहे पक्का छठ का ही सॉन्ग मिला है आपको अब तो पक्का हो गया कि गॉड आपके साथ है एक अच्छे अच्छे दिन सब्सक्राइबर बढ़े और गाना भी छठी मैया का मिल गया है ऑरेंज सिंदूर देख के ये पता चल रहा है कि आप छठ पूजा या नवरात्रि से रिलेटेड शूट कर रहे हो अच्छा किसी ने देखी जैसे मैंने भी ये चीज नोट करी तो लोगों ने भी नोट किया कि बॉम्बे वाले सूट नहीं करते वो शूट करते हैं तो इन्होंने देखिए खुद मानी है ये चीज कि थोड़ा दिक्कत है शूट सूट में तो मैं यहाँ पे ये कहती हूं कि प्लीज आप मत करो मैंने पहले भी आपके मुंह से कुछ वर्ड्स सुने हैं मैं यहाँ पे हमेशा से कोशिश करती हूँ कि करेक्ट करूँ चाहे वो वहां जेठानी बोले चाहे देवरानी बोले तो आ, आप वैसे कुछ भी बोलो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता लेकिन जब आप मैं अगर आपका वीडियो देख रही हूं अगर आप मेरे सामने कोई गलत वर्ड बोल रहे हो तो डेफिनेटली मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट टाइम ये गलत वर्ड ना बोलो एंड क्योंकि आप सोशल मीडिया पे आपको इतने सारे सब्सक्राइबर्स आपके देखते हैं तो कहीं ना कहीं वो भी ये देख के फिर अपने घर में यही वर्ड का यूज करेंगे कहते हैं ना कि अगर आप थोड़ी सी कोशिश करो डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट सो so, ट्राई करना चाहिए और थोड़ा सा अगर आप वर्क करोगे ठीक हो जाएगा सो so, फ्रेंड्स ये है बाकी लोगों ने भी इनको बोला है कि शूट होता है शूट नहीं होता है और वाउदिया पवन सिंह के साथ शूट होने वाली हैं पवन सिंह आप गलत ट्रैक पे जा रहे हो आपको व्लॉग तक ही सीमित रहना चाहिए अपनी फैमिली बच्चा हस्बैंड पे ध्यान दीजिए आज का जमाना अलग है कब किस पे आप दुश्मन बन जाओ पता नहीं बड़ी उल्टी दुनिया है जलने वाले बहुत ही पैसा अच्छा भी और बहुत बुरा भी है इसलिए सोच समझ कर करो और वो भी दिल्ली जैसी जगह कोई भी आपकी फैमिली को नुकसान पहुंचा सकता है पैसों के पीछे सुमित तो समझदार हैं फिर भी खतरा मोल ले रहे हैं इतना ओवर करते हैं ना ये भगवान से दुआ है कि यू ये यूट्यूब बंद हो जाए या फिर ब्लॉग्स बंद हो जाए इसका तो ये जो इतनी पर्सनल हेट कुछ लोग निकाल रहे हैं कि यू चैनल इनका बंद हो जाए निकी का और सिर्फ और सिर्फ एक मुझे लगता है कि एक अगर इनको सॉन्ग में अपॉर्चुनिटी मिली है तो इसलिए ये जो पर्सनल हेट दिख रही है ना ये मुझसे भी डाइजेस्ट नहीं हो रही है कि किसी से इतनी बुरी तरह नफरत नफरत करने का कारण क्या है आपने तो इनको सोशल मीडिया पर ही देखा है कौन से इन्होंने आपकी फैमिली में घुस के आपको कुछ बोला है या आपके अगेंस्ट कुछ किया है कॉन्स्पेरेसी करी है या कुछ किया है सो इन्होंने भी लिखा है कि इतनी जलन बाप रे छठ पूजा का सॉन्ग क्योंकि पीला सिंदूर लगाया है भैया ज्यादा फ्री हैं लगता है तभी तो इतना दिन तक घूम रहे हैं तो मुझे लगता है कि क्योंकि आज देखिए मंडे है ठीक है और मंडे नहीं आज ट्यूसडे है राइट और सैटरडे संडे अभी वीकेंड गया था और जितना हमने देखा है कि इनके हस्बैंड बिजी रहते हैं तो कुछ लोग जो हस्बैंड को टारगेट करने लगते हैं यार देखो मुझे लगता है कि जब ऐसी चीजें होती हैं तो अगर आपको भी ऐसी अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो आपकी फैमिली और फैमिली में सबसे पहले कौन साथ देता है आपके पति ही आपके साथ देंगे ना और अगर उन्होंने छुट्टी कर भी ली एक दिन दो दिन तो उससे क्या फर्क पड़ जाएगा लेकिन लोगों को कुछ ना कुछ बोलना है सो so फ्रेंड्स ये है मेरा वीडियो और आज सही में मैं सरप्राइज थी जब मैंने ये ऑर्चेस्ट्रा वाला कमेंट पढ़ा था यूट्यूब चैनल बंद करवाने पे मतलब क्यों इतनी पर्सनल हिट निकालते हैं लोग कौन से कहाँ से आते हैं ऐसे लोग मुझे समझ नहीं आता और सही में मुझे लगता है कि कमेंट्स जब इतने तरह वलगर इतने गंदे कमेंट्स आते हैं तो आपको बिल्कुल कमेंट सेक्शन ऑफ कर देना चाहिए और वहां पे कामिनी जी ने भी कल जैसे मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े उनके तो उन्होंने वहा पे ये चीज क्लियर की है जो लोग कह रहे थे इनफैक्ट मैंने भी वीडियो बनाया था कि गाड़ी वाला तो मुझे लगा कि आपने कॉपी किया है अपनी देवरानी का देख के तो उन्होंने वहां पे नीचे कमेंट एक मैंशन किया हुआ है जहां पर उन्होंने बोला है कि इन्होंने पहले भी अपनी वीडियोज में गाड़ी से रिलेटेड बात करी है तो लोगों ने भी नीचे लिखा था पहले आपका घर का सारा काम हो जाए इंटीरियर का काम पूरा हो जाए उसके बाद आप बेशक गाड़ी खरीद सकते हो तो उसमें मेरी हो सकता है गलती रही हो इसलिए मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा बाकी इतना पर्सनल हेट मत करिए ठीक है थीके? वो भी किसी की माँ है ठीक है वो भी किसी की बीवी है बहू है तो सोच समझ के कमेंट्स इस तरह के लिखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच और जाने से पहले Uh, मैंने कल सपना पे भी वीडियो डाला है रात में डाला था आप देख लीजिएगा जो हैक चैनल जो अंशु का वीडियो आया है कुछ लोग कह रहे हैं कि अंशु झूठ बोल रही है उसमें मेरा डिटेल वीडियो आएगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू सो मच बाय बाय